नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रॉपर्टी मार्केट को रेरा जीएसटी जैसे सुधारों ने निवेशकों के लिए पारदर्शी बना दिया है। मंदी के दौर में भी भरोसा बढ़ने से रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश लगातार बढ़ रहा है। 2020 में भी ऑफिस स्पेस की डिमांड में बढ़ोतरी के चलते प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश बढ़ने की उम्मीद है, यानी कि 2020 रियल एस्टेट के लिए बेहतर रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। रेरा की सफलता और असफलता को लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन रेरा, नोटबंदी, जीएसटी जैसे सुधारों ने देश के रियल एस्टेट सेक्टर को निवेशकों की नजर में पारदर्शी बना दिया है। निवेशकों के इस बढ़ते भरोसे से 2020 में देश का रियल एस्टेट सेक्टर बड़ा निवेश आकर्षित करने के लिए तैयार नजर आता है। इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत का रियल एस्टेट 2019 के मुकाबले ज्यादा निवेश खींचने के लिए तैयार है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार के सुधारवादी कदमों और ऑफिस स्पेस की डिमांड बढ़ने से भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश 46,000 करोड़ रुपए बढ़ सकता है। निवेश में इस बढ़ोतरी की वजह आईटी कंपनियों की तरफ से ऑफिस स्पेस की डिमांड में इजाफे को बताया जा रहा है। 2019 में 2018 के मुकाबले 8.7% ज्यादा, यानी कुल $6.2 अरब का निवेश आया। कुल निवेश में 78% हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों की है। कॉलियर्स के मुताबिक निवेशकों का भरोसा रेरा जैसे रेगुलेटर के आने और जीएसटी के लागू होने के बाद बढ़ा है। हालांकि सेक्टर में छाई मंदी की वजह से निवेशक अब भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाने से परहेज कर रहे हैं। इसके अलावा निवेशक वेयर हाउसिंग, रिटेल और को वर्किंग जैसे क्षेत्रों में भी सावधानी के साथ निवेश कर रहे हैं। देखिए, अगर हम कॉलेज की रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उन्होंने मेजरली इस चीज में फोकस किया है कि ऑफिस अब्जॉर्प्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है पिछले साल में, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड है कि और काफी विदेशी कंपनियां यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रही है ऑफिस इन्वेस्टमेंट में। तो एक ऑफिस सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर कई फॉरन इन्वेस्टमेंट फंड आके उसको रेडीमेड एसेट्स को एक्वायर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली निवेश तो हुआ है हिंदुस्तान में। कॉलर्स के मुताबिक 2008 के बाद से भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल 4.1 लाख करोड़ रुपए निवेश आया है। रिपोर्ट में अगले 3 साल तक देश में ऑफिस स्पेस की डिमांड में तेजी आने का अनुमान लगाया गया है। इससे निवेशकों का इस सेक्टर में पैसे लगाने पर ज्यादा जोर रहेगा। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2020 में कुल सप्लाई में से 40% हिस्सेदारी केवल ऑफिस स्पेस की होगी। 2019 में कुल सप्लाई में ऑफिस स्पेस की हिस्सेदारी 46% रही थी। ऑफिस स्पेस की डिमांड में तेजी से ये संकेत भी मिलते हैं, कई देसी विदेशी कंपनियां अपनी विस्तार योजनाओं के चलते देश में निवेश कर रही है। ऐसे में ऑफिस स्पेस की डिमांड इस बात का सबूत है कि मंदी के दौर में भी कंपनियां कम लागत के इस मौके को भुनाने का मौका नहीं चूकना चाहती। आज तक ब्यूरो।